नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय महासचिव केलावजरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खासकर अगर बात की जाए तो मालवा की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यहां पर किस तरीके से विधानसभा के हालात है, किस तरीके से यहाँ पे जो वर्तमान में विधायक है उनकी किस तरह की स्थिति है, साथ ही अगर बात करें संगठन में किस तरीके से काम चल रहा है, इसे लेकर वे एक बार फिर जो भापने के लिए नीमच जिले के दौरे पर आज भी नीमच आएंगे। किस तरीके से उनका दौरा रहेगा, क्या बदलाव उनके दौरे में किया गया, इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरीके से जो है उनका दौरा और क्या बदलाव की खबर आ रही है। इस वक्त वे लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ईरानी जी, अगर बात किया किस तरीके से विजय वर्गी का दौरा है। जी नवीन जी, कैलाश जी, विजय वर्गीय का जो दौरा है, राष्ट्रीय महासचिव है ये, और ये नीमच लगभग जो है अभी दिन में उनके 12 बजे नीमच पहुंचने की उम्मीद है। वे जावद जाएंगे, वहां पर ये जावद विधानसभा सम्मेलन और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा करने के बाद वो नीमच आएंगे और पहले ये तय किया गया था कि उनकी जो तिरंगा यात्रा है वो नई कृषि मंडी जो चंगेरा वाली वहां से निकलेगी, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हो गया है। वो तिरंगा यात्रा जो है लायंस पार्क से प्रारंभ होगी। लगभग 3:30 बजे का निर्धारित समय जो है वो दिया गया है कि 3:30 बजे कैलाश जी विजय वर्गीय की अगुवाई में। बिल्कुल नवीन जी, ये बात तय है कि कैलाश जी विजय वर्गीय जैसे बड़े नेता का चुनाव के कुछ माह पहले जो आना हो रहा है उसके पीछे वजह यही है कि उनके आने के पीछे तिरंगा यात्रा और जावद विधानसभा सम्मेलन तो शामिल है ही है, लेकिन वो यहाँ पे किस तरह का माहौल है उसे देखना चाहते हैं। वो लोग वो कहीं ना कहीं इस बात की सतह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड आ रहे हैं और विशेष रूप से मालवा की जो RSS की जो नर्सरी कहा जाता है नीमच जिला, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान हालात है वो बहुत अच्छे नहीं है। उस हालातों को समझकर और उसके लिए खास एक रणनीति तय करने के हिसाब से कैलाश जी विजय वर्गीय बिल्कुल तिरंगा यात्रा निश्चित रूप से 13, 14, 15 के लिए हर घर अभियान के तहत, मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्य कारण मुझे जो समझ में आ रहा है या लोगों की जो राय है वो यही है नवीन जी कि ये जो एक राजनीतिक दौरा है, कहीं ना कहीं इस बात को भांपने की कोशिश की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी में जो कि कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है, लेकिन जो गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, संगठन और सत्ता के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उस द्वंद्व के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए भी ये यात्रा है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में किस बात को लेकर नाराजगी है ये देखा जा सकता है नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी के नीमच में जो है खास करके युवा पीढ़ी और जो एक वरिष्ठ पीढ़ी है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक सोच समझ का फर्क दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय निश्चित रूप से ध्यान देंगे और इन्हीं बातों के लिए ये दौरा हो रहा है। बड़ी अपडेट ईरानी जी ने बताई है किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का दौरा है नीमच का। साथ ही अगर बात करें तो दौरे में एक बड़ा बदलाव किया गया, जिस तरीके से पहले चंगेरा मंडी से जो है तिरंगा यात्रा निकालनी थी, लेकिन अब जो है लाइन डेन से तिरंगा यात्रा निकालेगी, जो शहर के प्रमुख चौराहे पर होते हुए जो है टाउन हॉल पहुंचेगी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के मन को भांपने के लिए जो है कैलाश विजयवर्गीय का ये दौरा है। ऐसे में बात की जाए तो आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का है, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।